फाउंडेशन का मलेशिया तो इस्लामिक कंट्री है, फुली इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहां भी जाकिर को अब ये कंडीशन पे प्रवेश दिया जाता है कि आप यहाँ आएंगे तो धार्मिक भावना धार्मिक विषय पर बात नहीं करेंगे। बिल्कुल आप तो मुंबई बॉम्बिंग हुई 2006 सीरियल बॉम्बिंग में जो लोग इन्वॉल्व थे राहिल अहमद शेख एंड जबीबुद्दीन अंसारी, ये जाकिर नायक की जो संस्था है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन उसकी लाइब्रेरी में बैठ के ये लोग प्लानिंग करते थे। ये सारी जानकारी जो है भारत सरकार के पास है, ये सारी जानकारी आईबी के पास है, होम मिनिस्ट्री के पास है, वो क्या कर रहे हैं इस जानकारी। श्री श्री रविशंकर जैसे एक बड़े संत जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग केवल भारत में नहीं तो दुनिया भर में फैली हुई है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी इसने अनर्गल बातें की। जाकिर के बयान आप इस कार्यक्रम में देख चुके हैं। हम इस प्रतिक्रिया के बाद, इस कार्यक्रम के प्रतिक्रिया के बाद बड़े पैमाने पर श्री श्री रविशंकर के लोगों ने भी अपने फेसबुक पर, इंटरनेट साइट पर, बहुत जगह पर प्रतिक्रिया दी और जाकिर तक अपनी बात को पहुंचाई है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जल्दी ही विपक्ष के नेता और देश के प्रधानमंत्री को मिलकर जाकिर के कारनामे बताएंगे और इस विषय पर कुछ ना कुछ एक्शन सरकार की तरफ से हो इसके लिए आग्रह करेंगे। श्री रविशंकर जी और उनके भक्त परिवार का आगे क्या होता है हम आपको खबरों में बताते रहेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ बताते हैं कि सूफीज़्म जो कि इस्लाम को यहाँ बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाने वाला एक वर्ग माना गया, उसी के ऊपर कैसे अटैक करता है जाकिर, और सूफी का इस अटैक के बाद जो इस्लाम के विद्वान हैं वो क्या कहते हैं जाकिर नाइक के बारे में। जाकिर नाइक ना यहाँ आने को तैयार है, ना उनके पास भेजी हुई ओबी वैन पर आने को तैयार है, ना हमको उनके स्टूडियो में बुलाने को तैयार है, ना फोन पर भी आने को तैयार है। हम आशा करते हैं कि कार्यक्रम देखते हुए कुछ ना कुछ वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। अजमेर के दरगाह पर करोड़ों लोग जाते हैं, जाने वाले ना भारत के है बल्कि देश से टूटकर अपना देश मांगने वाले पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी पाक जगह के खोज में इस देश में आना पड़ता है। इससे ज्यादा पाक जगह उसको अपने देश में नहीं दिखती, उस जगह को भी जाकिर मानने को तैयार नहीं है। इस्लाम की सही समझ उनको नहीं है, उसकी वजह यह है कि जाकिर नाइक जैसे कि सारे भारत के मुसलमानों को और हमारे जितने भी दूसरे पढ़े लिखे हमारे हमवतन भाई हैं, हिंदू हों या सिख हों या जैनी हों, और सबको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक्चुअली किसी मदरसे में एकेडमिक इनकी कोई धार्मिक शिक्षा नहीं हुई है, ये इनकी क्लिनिक चली नहीं, इनकी डॉक्टरी चली नहीं, और इन्होंने एक अपना एक तो इसका मतलब इस्लाम एक ऐसे डॉक्टर के हाथ में है जिसका ऑपरेशन की सुई किधर कैसे चलेगी पता नहीं है। जी जब वो एक बीमार को नहीं संभाल सकते तो इस्लाम में पता नहीं कितने बीमार होंगे, और स्पिरिचुअल बीमार जो हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो जब वो फिजिकल बीमारी को नहीं संभाल सके तो स्पिरिचुअल बीमारी को क्या संभाल सकते हैं। लेकिन जिनको गुमराह इसे बचाने के लिए लाया गया जाकिर तो उनके बारे में ही गुमराह कर रहा है। नहीं तो इनकी ना समझी है, ये समझ नहीं पाए हैं, या कुरान शरीफ की ये आयत इनको नहीं मिल पाई है। हमारे यहाँ एक मिसाल मशहूर है, नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान। मतलब यानी नीम हकीम अगर आधा हकीम होगा तो जान के लिए खतरा बन जाएगा वो, और नीम मुल्ला होगा तो ईमान के लिए खतरा बन जाएगा। तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब जो हिंदुस्तान की सभ्यता है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के हालात हैं, यहाँ के तकाजे हैं, उन तमाम को देखते हुए हिंदुस्तान के तमाम ही उलमा ने कभी इन मज़ारात को तोड़ने का हुक्म नहीं दिया और ना ही इनको तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि इन दरगाहों से और इन बुजुर्गों के मकामात से हिंदुस्तान की एक बड़ी अक्सरियत की भावना जो है जुड़ी हुई है। और तमाम उलमा की तरफ से मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, जाकिर नायक साहब को मैं कह चुका हूँ आज से 3 साल पहले, जाकिर नायक साहब आपका जो तरीका है वो गलत है, और उसका परिणाम आज सामने आ रहा है कि पूरा देश उनके खिलाफ खड़े होने को तैयार है। बिल्कुल ऐसे आदमी को इस तरह से खुल्लम खुल्ला बात करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए जिससे मुल्क की सालमियत और मुल्क की का अमन बर्बाद हो। देखिए एक्चुअली अभी जाकिर नाइक ने एक नासमझी की बात ये कही है कि इन सूफिया से और इन औलिया से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि ये मर चुके हैं और ये कुछ नहीं दे सकते।
एक्चुअली इन्होंने कुरान मजीद सही तरीके से ढंग से नहीं पढ़ा है। कुरान मजीद की आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान लाने वालों अल्लाह से डरो, गैरियत ना हो, और जो शख्स दूसरे धर्मों का अपमान करे, उनकी मान्यताओं को रद्द करे और उनका मजाक उड़ाए, मैं उसको मुसलमान मानने को तैयार नहीं। तो जो मजहब, मसलक, तरीका, फिक्र, थॉट तालिबान की है वही यजीद की है, जो तालिबान की फिक्र है और थॉट है वही जाकिर नाइक की है। और एक चीज मैं आपको ये बता रहा हूं चैलेंज के साथ कि वो लोग जो अफगानिस्तान में तालिबान की फंडिंग कर रहे हैं, जो इराक में अलकायदा की फंडिंग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में तालिबान की फंडिंग कर रहे हैं, जो बेकसूरों को इस्लाम के नाम पर मार रहे हैं, जान ले रहे हैं उनकी, वही लोग जाकिर नाइक की फंडिंग कर रहे हैं। पूरा इस्लामी समाज इस बात की बारीकी को समझे कि किसी भी हालत में अमनो भाईचारे को तबाह करने वाली शख्सियत या उनके बयानात इस मुल्क की और पूरी इंसानियत के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सिलसिला उनका बंद होना चाहिए और ऐसे आदमी को खुले आम इस तरह का प्रोपेगेंडा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वही बात मुझे ऐसा लगता है कि इनका अभी कोटा पूरा नहीं हुआ है, पूरा हो जाएगा तो अपने आप ये दफन हो जाएंगे, उनकी कोई नाम तो कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। मजार पे जाना बिल्कुल गलत है, तो कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करना सही है, जो आदमी मर चुका है उनके लिए दुआ करो। ये सूफीज्म के ऊपर कार्यक्रम हमने आपको दिखाया था और इस कार्यक्रम का बेस्ट ऑफ हमने आपको दिखाया है। सूफीज्म में जिस प्रकार के इस कार्यक्रम में लोग आए थे, जितना उनका दर्जा था और उन्होंने जितने बड़े बड़े आरोप जाकिर के ऊपर लगाए, उसको देखने के बाद हमको लग रहा था कि भारत सरकार ज़रूर कोई महत्वपूर्ण एक्शन लेगी, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रमेश जी, मैं आपको पूछूंगा, रमेश शिंदे जी हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। रमेश जी, जिस प्रकार से इतना बड़ा आरोप एक शिया इमाम ने लगाया है, कोई हिंदू संगठन ने नहीं लगाया है, उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई कॉग्निशन सरकार की तरफ से क्यों नहीं? जी, यहाँ पर केवल उन्होंने आरोप लगाया है ऐसे नहीं है। आप दो तीन चीजों के ऊपर अगर गौर करते हैं, श्री श्री रविशंकर जी के जो कार्यक्रम में उन्होंने बताया, कल ही उसके संदर्भ में मैं दो और रिसर्च कर रहा था, दो चीजें मेरे सामने आ गई कि जिस हाफिज सईद को हम मुंबई के 26/11 के हमले में हिंदुस्तान की सरकार वहां पर से उसको मांग रही है, तो उसी हाफिज सईद के जो कार्यक्रम, उसका जो वेबसाइट है जमात उद दावा का, उसके अंदर उसका जो संगठन है, सहकारी संगठन है, उसके अंदर नाम दिया गया है जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का। यानी इसका अर्थ यह बनता है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और जमात उद दावा दोनों साथ में मिले हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जब इंग्लैंड में उसके ऊपर पाबंदी लाई गई तो हिंदुस्तान के 24 उलेमाओं ने ये ब्रिटेन की सरकार को लिखा है कि हम उनके साथ हैं और उनके ऊपर जो पाबंदी आपने लगाई है वो सही है। यानी आपके कार्यक्रम में आकर के जिन लोगों ने यह वक्तव्य रखा है उसी तरह का वक्तव्य